हम पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस कर रही हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका ये आता है, नेम से ही पता लग रहा है। इसमें जो 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं वो जनरली यही आते हैं, नेचर बताइए, बायोलॉजिकल साइंस का हिस्ट्री बताइए, स्कोप बताइए। 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन जाता है जब नेचर एंड हिस्ट्री के साथ इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पूछ ली जाती है। प्याजे थ्योरी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें अलग से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो पूछी जाती है। इसमें आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी आ सकती है, ऐसा नहीं है बहुत जरूरी है, आएगी ही आएगी कि एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने फर्स्ट चैप्टर में से कर ली और डन, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बार के गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नहीं आया है ऑप्शन में। बायोडाइवर्सिटी आप 4 मार्क्स के हिसाब से कर सकते हैं इसमें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि भाई क्या लिख सकते हैं 4 मार्क्स में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यस इंपॉर्टेंट है इसमें, और ऐसा नहीं है कि आपने कर ली तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा अगर नहीं आई तो। ये 100% है कि या तो ये बायोलॉजिकल साइंस में आएगी या फिर फिजिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में आएगी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दोनों जो है दोनों में ही है और काफी कुछ सिमिलर है उनका जो सिलेबस है। मैं अब इसके बाद आपको फिजिकल साइंस का भी बताने वाली हूँ। उसके बाद आपका आता है इसमें ऑब्जेक्टिव्स बिहेवियरल टर्म के हिसाब से, यही सब है इसमें इंपॉर्टेंट। बाकी लेंदी बहुत बना रखा है चैप्टर, इतना कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन पेपर इसका। जैसे कि ये आपका था MDU का क्वेश्चन पेपर है, ये लास्ट ईयर का है, ये शायद हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पूछ रखी है फर्स्ट चैप्टर में से, और इसमें आपकी पूछ रखी है 4 मार्क्स में नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये इसी ईयर का एग्जाम है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का, और ये 2021 का है MDU का। देन उसके बाद है आपका इसमें जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है नेचर स्कोप इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि नेचर भी पूछ लिया, स्कोप भी पूछ लिया और इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज साथ में कर दिया। तो देन उसके बाद है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इस बार के एग्जाम में मैं आपको दिखाती हूँ 16 मार्क्स से क्वेश्चन। सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है एंड एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं बायोलॉजी में। ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, ये भी आप 4-4 मार्क्स के हिसाब से रेडी करिएगा। ऐसा नहीं है कि इन पे अकेले पे कभी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप ये सब जो है डेफिनेशन 4-4 मार्क्स के हिसाब से रेडी कर लेंगे तो ये 16 मार्क्स से क्वेश्चन में आराम से लिख सकते हैं। देन उसके बाद है जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बिहेवियर टर्म का, ये इसका क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट हमेशा यही आता है कि इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज आता है जनरली क्वेश्चन। ओरिजिन ऑफ लाइफ और ये पूछ सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी मतलब जितनी भी डेफिनेशन है वो अलग अलग करके पूछ सकते हैं इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं आता है आपका। देन लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2। देन सेकेंड यूनिट आती है आपकी पेडागोजिकल एनालिसिस, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा यहीं से बनता है, या तो मीनिंग पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी या स्टेप पूछे जाएंगे पेडागोजिकल एनालिसिस के। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका। देन उसके बाद इसमें पूछा जाएगी आपकी पेडागोजिकल एनालिसिस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, किस टाइप से होती है। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा, जैसे फोटोसिंथेसिस है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस होती क्या है, या आपके कोई भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये ह्यूमन सिस्टम आ गए सारे के सारे, रेस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सर्कुलेटरी, तो इन सिस्टम्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। मैंने इस पे एक वीडियो अपलोड कर रखी है, 2 आवर्स की वीडियो है, उसमें फुल सिलेबस कवर है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उससे आपका पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, आप देख सकते हैं उसे, और यूनिट वाइज भी बना रखी है। अगर कोई यूनिट आपकी बिल्कुल पक्की हो गई, आपको उसकी वीडियो नहीं चाहिए, तो आप बाकी यूनिट्स की देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, हमें देखने में मुश्किल लगती है कि पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, स्टेप वाइज बता रखे हैं कि जैसे सबसे पहले होती है पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, इस सिस्टम की क्या क्या बच्चों को पता होना चाहिए। सेकंड में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचर के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि उसको ये चीजों का पता लग जाना चाहिए आफ्टर जब हम टीचर ने वो चैप्टर उन्हें स्कूल में करा दिया है। देन उसके बाद लिस्टिंग है कि टीचर कौन कौन से मेथड्स और डिवाइसेज इसमें यूज करेगी। देन फोर्थ आता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, कि जब सब कुछ टीचर ने पढ़ा दिया है तो लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या क्या है, तो ये मैंने सब उसमें बता रखा है। फूड चेन क्या होती है, ये आपकी 4 मार्क्स के हिसाब से आ सकती है। पेडागोजिकल एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, ये 4 मार्क्स के हिसाब से आ सकता है। पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होती है और फूड चेन की पेडागोजिकल एनालिसिस लिखी है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो फूड चेन आपको 4 मार्क्स के हिसाब से करनी है। पेडागोजिकल एनालिसिस लगभग लगभग सबकी सेम ही रहती है, जब आपको एक टॉपिक समझ आ जाएगा तो आपको सारे टॉपिक समझ अच्छी तरह आ जाएंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, ये मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बता रखा है कि कैसे बैलेंस रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दूसरों पर कैसे डिपेंड होते हैं वो,
फूड चेन पे कैसे डिपेंड होते हैं, तो सब चीज़ें उसमें बता रखी हैं, तो उसका पैडागोजिकल एनालिसिस आपका आ सकता है। मतलब अलग अलग टॉपिक लेकर किसी का भी पैडागोजिकल एनालिसिस आ सकता है। और अगर आपने ये नहीं भी पढ़ रखा, किसी एक का पैडागोजिकल एनालिसिस पढ़ा है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, ये बहुत अच्छी तरह आप लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग लगभग सिर्फ उसमें टर्म चेंज होएंगी और वो आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक गिवन। उसके बाद हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है ये इसी चैप्टर में या इसी यूनिट में आ रहा है, ये काफी सब्जेक्ट्स में आता है हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, तो ये भी आप पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बाकी सब्जेक्ट्स में भी पूछा जाता है। तो दैट्स इट फॉर चैप्टर टू। अब मैं इसके क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये एमडीयू के पेपर में था, मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस पूछ रखा है 4 मार्क्स में। यहाँ पे स्टेप्स पूछ रखे हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। यहाँ आपको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक ही पेज के अंदर ये फिनिश करना है, तो चारों स्टेप्स आपको बताने हैं। उनके अंदर क्या क्या आता है वो थोड़ा बहुत आप डिटेल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको चारों स्टेप मेनली बताने हैं। देन इसमें मेन में क्या आता है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। इसमें इम्पोर्टेंस बताइए, स्टेप्स बताइए, पेडागोजिकल एनालिसिस के क्या होते हैं। तो इससे अच्छा है ये वाला क्वेश्चन स्कोरिंग, क्योंकि पेडागोजिकल एनालिसिस किसी परफेक्ट टॉपिक का पूछा है तो वो स्कोरिंग ज़्यादा हो जाता है। और इसमें क्या है, उसमें फोटोसिंथेसिस आया हुआ है आपका, और इसमें आपका आया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देन उसके बाद उसकी पेडागोजिकल एनालिसिस आप देंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन दोनों में ही लगभग सेम है कि पेडागोजिकल एनालिसिस से आप क्या समझते हैं। उसमें स्टेप्स पूछे हुए थे, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स, इसमें पूछी हुई है पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होती है और वो कैसे इफेक्टिव होती है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक है उसके, क्यों क्लासरूम को इफेक्टिव बनाया जाए। देन उसके बाद आते हैं हम यूनिट थर्ड पे, ये आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। देन इसमें क्या आती है, यूनिट प्लानिंग आती है और लेसन प्लानिंग आती है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बहुत अच्छी बना रखी है, डिफरेंस भी बता रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं आराम से, लेसन प्लानिंग एंड यूनिट प्लानिंग का। लेसन प्लानिंग क्या होती है, यूनिट प्लानिंग क्या होती है, किस लिए उनकी नीड होती है, ये पहले भी आपके आ चुके हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उसमें मैंने आपको ये अच्छी तरह से करवा रखा है। ये आपके फिजिकल साइंस में भी आएंगे आपके, तो इसलिए इस चैप्टर को, इसकी हर चैप्टर को, हर टॉपिक को आप अच्छी तरह कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस के लिए, अगर नहीं आया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है ये। और दूसरी बात कि फिजिकल साइंस में भी सेम वो जो है रिपीट हो रहा है आपका सिलेबस, तो इसलिए उसके हिसाब से आप दोनों में कीजिए। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन से टीचिंग एड्स यूज होते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, कैसे वो क्लासरूम में हम सेलेक्ट करते हैं और यूज करते हैं। देन ग्राफिक एड्स क्या होते हैं, ये आपको थोड़े थोड़े ब्रीफ में पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉडल्स क्या होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कैसे बनाए जाते हैं मॉडल्स, ये सब कुछ है इसमें। देन उसके बाद एक्वेरियम क्या होता है, ये 4 मार्क्स में आ सकता है आपके। विवेरियम क्या होता है, 4 मार्क्स में आ सकता है। देन टेरेरियम क्या होता है, ये भी 4 मार्क्स में आपका आ सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये टीचिंग मेथड्स हैं आपके, कौन कौन से आप किस टाइप से करते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, पहले टीचर करके दिखाएगी बच्चों को, फिर उसके बाद बच्चे करेंगे, तो क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं और इनके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, क्या पहले प्रिपरेशन की जाएगी, फिर प्रेजेंटेशन की जाएगी, फिर फॉलोअप लिया जाएगा कि बच्चों को कितना समझ आया है, ये सब कुछ है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ मटेरियल लिनियर, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज इन्हें एक बार 4 मार्क्स के हिसाब से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 4 मार्क्स में यू नेवर नो क्या पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना होता है, उसमें आप बना के कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपका इसमें टीचिंग स्ट्रेटेजीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग हो गई है आपकी, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच होगी है, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गई है, ये सारे इसमें आते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो गई है, तो ये सारे टीचिंग स्ट्रेटेजीज में आते हैं आपके। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। माइक्रो टीचिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप जरूर करके जाइएगा, ये 16 मार्क्स और 4 मार्क्स के हिसाब से आ सकता है, क्योंकि इसका इसमें तो इतना डिटेल में नहीं है, फिजिकल साइंस में ये बहुत डिटेल में है आपका, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपको। माइक्रो टीचिंग की आपको साइकिल पता होनी चाहिए कि कितने मिनट की साइकिल होती है, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, माइक्रो टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या डिफरेंस है, क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका, ये आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। देन उसके बाद इसमें आते हैं आपके स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन, जैसे कि स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, ये सब आते हैं इसमें, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग,
ये सब कुछ जो है ये भी आपके 4-4 मार्क्स के भी हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और आपसे जो है 8 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं कि दो ऑप्शन अगर आपके बना देंगे वो 16 मार्क्स में, तो वो आपसे इस टाइप से पूछ सकते हैं। जैसे कि ये भी है, अगर आप 4-4 मार्क्स के हिसाब से करके जा रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स के हिसाब से बना के आ सकता है। ये MDU का 2010 का क्वेश्चन है, ये देखिए इस टाइप से पूछा जाए, या फिर डिस्कस माइक्रो टीचिंग पूछी जाए जो है उसमें आपको लिखना है। ये माइक्रो टीचिंग इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो और ये देखने में आपको लेंदी लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, अगर एक बार आप वीडियो देख लेते हैं ना इसकी, आपको ये बिल्कुल भी लेंदी और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 मार्क्स में आया हुआ है माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होती है, एंड देन इसके जो है 16 मार्क्स में आए हुए हैं लेसन प्लांट क्या होता है, मतलब लेसन प्लान है, ये लेसन प्लान क्या होता है, और लेसन प्लान जो है बायोलॉजिकल साइंस का 6th एंड 8th का टॉपिक आप बताइए। देन उसके बाद ये 8-8 मार्क्स में बना दिए मैंने, जो आपको पहले ही बताए हैं। चाहे ये आपके 4 पार्ट्स बना देंगे वो 4-4 मार्क्स के हिसाब से, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है, स्टिमुलस वेरिएशन है, एक्सप्लेनिंग है, वो सब आपके 4-4 मार्क्स में बना सकते हैं। और 8-8 देखिए आपका इसमें, इस क्वेश्चन पेपर में आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आई हुई है 4 मार्क्स के हिसाब से, एंड 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आई हुई है कि सेल्फ लर्निंग मटीरियल क्या होता है जो कि टीचर यूज करती है बायोलॉजिकल साइंस इन स्कूल्स में, और ये कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, और स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग क्या है, ये भी 8-8 मार्क्स के आए हुए हैं। लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 4th। बहुत ही कॉमन चैप्टर जो कि सब में आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या होती है, वो कैसे मेजरमेंट से डिफरेंट है, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, ये सब कुछ आपके आ सकता है पेपर में। उसके बाद इसमें इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप की होती है, डायग्नोस्टिक कौन सी होती है, समरेटिव कौन सी होती है, फॉर्मेटिव कौन सी होती है, फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ आ सकता है इसमें। ग्रेडिंग के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जा सकते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सब कुछ आ सकता है आपका इस चैप्टर में से। तो अब इसका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, क्योंकि ये आपके रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अब इसका एक बार क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं गुड अचीवमेंट टेस्ट के, वो आपको 4 मार्क्स में अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर ये आता है 4th यूनिट में से 16 मार्क्स के, कि डिफाइन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन को डिटेल में बताइए, ये आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन है। देन उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, ये आपके 4 मार्क्स में आया हुआ है, एंड आपके ये आया हुआ है कि यूज़ ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, जो कि पिछले में 4 मार्क्स में आए हुए अचीवमेंट टेस्ट का, तो यूज़ ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एक्सप्लेन कीजिए, और व्हाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वो सब बताइए, और इसको डिटेल में डिस्कस कीजिए। अचीवमेंट टेस्ट आप ज़रूर करके जाइएगा इस यूनिट में से। फिर उसके बाद उसमें पूछे हुए थे टाइप्स बताइए इवैल्यूएशन के, जो डायग्नोस्टिक आते हैं, फॉर्मेटिव आते हैं, समेटिव आते हैं, इसमें सीधा आपसे टाइप एक टाइप पूछ लिया है और ग्रेडिंग के टाइप्स पूछ लिए हैं, ये आपका 8-8 मार्क्स के हिसाब से बन गया। ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा स्कोरिंग होते हैं एज कंपेयर टू जो पूरे 16 मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें पूरी कहानी लिखनी पड़ती है। इसमें आप स्टेप वाइज लिखेंगे कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस लिए यूज किया जाता है, किस टाइम यूज किया जाता है, वो लिखेंगे। टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के, वो सब आप लिखेंगे। तो ये था आपका बायोलॉजिकल साइंस का।